मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के संगठनों का संगठन बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर दिए गए निर्णय के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। जी बताएं। तो उसका नंबर वाले भी हाल आई है एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के। शुरू में संविधान में 11 था, दलित बनाम सवर्ण एक्ट के नाम से एक्ट था। कई बच्चों इसको हाल में अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका कमजोर करने का काम किया, अभी आए दिन दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है और बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो इसको संशोधन करना चाहती है, इसको कमजोर करने के बजाय इसको बताइए करे ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत, ऑटो की टक्कर से पोस्टमार्टम घायल। मिर्जापुर सोनभद्र मार्ग पर राजापुर गांव के सामने शुक्रवार सुबह 10:30 बजे ट्रक से कुचलकर जमुई निवासी बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिर्जापुर जिले के मरियन थाना अंतर्गत राजगढ़ चौकी क्षेत्र के करबला के पास पिकअप ने शबरी चालक को धक्का मारा, जिसमें ट्रॉली चालक राजकुमार 50 वर्षीय निवासी लूसा की मौके पर ही मौत हो गई और पिकअप चालक कुछ भी बता नहीं पा रहा है। उसने अपना नाम राज निवासी सरंगा थाना करमा जिला सोनभद्र बताया। हमारा नाम जयलाश है। कहाँ घर है? सरंगा। सरंगा, इनका जो इंसिडेंट हुआ है, आपका आरोप क्या है? दवा हो रही है अच्छे से कि नहीं राजगढ़ हॉस्पिटल? दवा बहन कहाँ अच्छे से हुए, 3-4 घंटा से पता लगा था भर्ती हुआ है, बहन दवा कहाँ फायदे से भर्ती। मिर्जापुर जिले के राजगढ़ विकास खंड के अंतर्गत गोलनपुर गांव में भाजपा विधायक द्वारा अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। अब उनका जीवन जो रहा, समाज के प्रति किस प्रकार से समर्पित रहा, उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। हमारे वक्ताओं ने उनके बारे में बताया ही, काफी डिटेल में बताया, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पंच तीर्थ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पंच तीर्थ का जिस प्रकार से भव्य स्वरूप उसको दिया, वह अभी तक भव्य स्वरूप नहीं है। चाहे लंदन में हो जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, चाहे महू में हो, चाहे दिल्ली में हो, कल भी देखे होंगे, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मारकों का